हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर एक बेसिक लेआउट समझेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू का स्ट्रक्चर क्या है किस नेचर का है कहाँ ये अप्लाई होता है और कहाँ ये अप्लाई नहीं होता ठीक है इसे कितने डिवीजन है तो इस बारे में आज हम बात करेंगे सो पॉइंट नंबर वन इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो हमारे इैक्ट कब हुआ था फिफ्टीन मार्च एटीन सेवेंटी टू को इनैक्टमेंट की डेट क्या है फिफ्टीन मार्च एटीन सेवेंटी टू और ये फोर्थ में कब लाया गया फर्स्ट सेप्टेंबर एटीन सेवनटी टू फोर्थ में कब आया फर्स्ट सेप्टेंबर एटीन सेवनटी टू नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपके ग्यारह चैप्टर है एलेवन चैप्टर है वन सिक्सटी सेवन सेक्शंस है और थ्री बेसिक है ठीक है फर्स्ट डिविजन है सेक्शन वन से लेके फिफ्टी फाइव तक सेकेंड डिवीजन है सेक्शन फिफ्टी सिक्स से लेके 100 हंड्रेड तक थर्ड डिवीजन है सेक्शन 101 से 167 तक तो ये हमारी डिवीज़न है और 167 सिक्सटी सेवन सेक्शंस है नेक्स्ट पॉइंट जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो हमारा प्रोसीजरल लॉ है ठीक है कुछ इसके पर्टिकुलर एरिया हैं जो सब्सटैक्टिव लॉ से डील करते हैं पर अगर हम बात करें ओवरऑल तो ये हमारा प्रोसीजरल लॉ है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो लेक्स फराई नेचर का है किस नेचर का है लेक्स फराई मतलब गवर्न लॉ ऑफ कंट्री जो गवर्न करता है एक कंट्री का लॉ विच गवर्न्स द लॉ कंट्री अगला क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट आपका क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस दोनों पे ही अप्लाई होगा ठीक है हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हम एक जनरल बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो क्रिम, सॉरी इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा क्रिमिनल और सिविल दोनों पे अप्लाई होता है नेक्स्ट पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ जिक्र है इंडियन एविडेंस एक्ट का तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल सेवन में कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ठीक है स्केड्यूल सेवन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट नेक्स्ट पॉइंट इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने करा था जेम्स स्टिफन ने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था ये इसके कौन है गॉड फादर है नेक्स्ट पॉइंट इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमारा नॉन एग्जॉस्टिव नेचर का है ठीक है ये अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है ये नॉन एग्जॉस्टिव है नेक्स्ट इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नेचर का रिट्रोस्पेक्टिव नेचर क्या होता है कि जब हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं था उससे पहले के जो इवेंट है अकरेंस है उन केसेस पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा लग सकता है उन पे भी अप्लाई होगा सो दैट इज़ वॉट रिट्रोस्पेक्टिव नेचर इज़ नेक्स्ट पॉइंट इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो हमेशा सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे ही लगता है ठीक है नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे नहीं लगता इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे ही लगता है एंड या डैट इज़ अ फॉर दर सेशन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल प्रोवाइड द लिंक जिसमें आपके जितने भी हमने वीडियो में बात करी जिन जिन चीज़ों की उसमें एक बेसिक पूरा इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स आपके गिवन होंगे पॉइंटर्स फॉर्म में तो आप वहाँ से रिकलेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए या पढ़ने के लिए सो या डैट इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो एंड या बाय थैंक यू